राधे राधे दोस्तों, आपको पता ही है कि अभी जो भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ वो सारी जो मैं वृंदावन अभी होकर आई हूँ वहाँ की है। तो डे वन का मोस्टली मुझे लग रहा है मैंने सारा पार्ट आपके साथ शेयर कर दिया। डे टू का मैंने आपको वन के साथ एक पार्ट शेयर कर दिया था, और एक्चुअली मैं सोच तो ये रही थी कि सीक्वेंस वाइज करूँगी, पर मैंने डे टू का एक पार्ट पहले आपको शेयर कर दिया था। तो अब मैं उसी सेकंड डे का दूसरा पार्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट डे मैंने आपको बताया है कि हम बांके बिहारी मंदिर गए थे, फिर राधा वल्लभ मंदिर गए थे, फिर वापस होटल चले गए थे, बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। सेकंड डे में अभी हम पहले गोकुल धाम गए थे, फिर उसके बाद पागल बाबा का मंदिर हमने देखा, और अब हम वापस अपना ऑटो पकड़ के जा रहे हैं प्रेम मंदिर के लिए। तो प्रेम मंदिर के बारे में मैंने काफ़ी सारी वीडियोस भी देखी थी और सुना भी है कि बहुत खूबसूरत है, तो मेरी तो ये फर्स्ट विजिट है सारी जगह की, और बड़ा खूबसूरत सा ही सारा नज़ारा लग रहा है। सोच तो ये रही थी कि जो भी मैं ओरिजिनल साउंड में आपके साथ बात कर रही हूँ वही आपको दूँ, लेकिन जब वॉइस ओवर देने लगी तब देखा कि इतना ज़्यादा शोर आ रहा है, उस शोर के अंदर मेरी क्या मैं क्या बोल रही हूँ आपको कुछ भी नहीं सुनाई देगा, क्योंकि मैंने ज़रा सा कोशिश किया आपके साथ शेयर करने का पर वो बिल्कुल भी नहीं आया। तो इससे बेटर है कि मैं खुद ही आपसे बात कर लूँ। और हुआ क्या कि जब हम यहाँ पर गए थे ना, जब हम होटल से निकल रहे थे विज़िट करने के लिए, उस समय तो मौसम एकदम गर्म था, पर जैसे ही हम थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट वगैरह करके आगे बढ़ रहे थे ना, क्या मैं आपको क्या बताऊँ, मौसम इतना सुहावना हो गया था कि जैसे प्रिपेयर किया जा रहा है हमारे लिए कि बहुत अच्छे से समय पे हम जाएं दर्शन करें। मौसम अच्छा हो गया था। यहाँ हम पहुँच गए थे, ये बिरला मंदिर था सामने, और उसके सामने की तरफ दूसरी साइड है ये श्रीमद् भगवद गीता मंदिर। दोनों ही बाहर से बड़े खूबसूरत लग रहे थे, हम अंदर नहीं गए पर बाहर से ही लुक ली थी। और फिर आप यहाँ के रास्ते देखिए कितना आलीशान वृंदावन है, और जैसे हम बनारस में वॉल पे पेंटिंग्स देखते हैं ना, तो यहाँ पे काशी है तो शिव की नगरी है, सारे महादेव की चीज़ें होती हैं, बहुत खूबसूरत से प्रिंट और डिज़ाइन बना रखे हैं। यहाँ ये एक गौशाला है, काफ़ी बड़ी गौशाला थी ये। यहाँ वृंदावन के अंदर आपको सारी चीज़ राधे राधे जी से लिंक और कृष्ण जी से लिंक ही मिलेंगी, बहुत ही अच्छी और खूबसूरत वाइब्स आएगी आपको। अभी जो थोड़ा सा पीछे निकल गया वो था सैनिक स्कूल, और आगे फिर एक ये वात्सल्य ग्राम माधव रिसोर्ट करके था। तो जो जो चीज़ मुझे खूबसूरत सी लग रही थी, लुक वाइज सामने अच्छी लग रही थी, वो सब मैंने आपके साथ शेयर करी थी। और ये था पागल बाबा का मंदिर, यहाँ पर हम थोड़ी देर रुके थे और फिर मैंने ऑटो लिया था। जिस ऑटो वाले भैया के साथ हम आए थे उन्होंने फ़िलहाल हमें यहाँ पे ही छोड़ दिया था, जो पागल बाबा का मंदिर है। तो हम सोचे जब यहाँ उतरे ही हैं तो क्यों ना एक कप चाय हो जाए, क्योंकि काफ़ी देर से मन कर रहा था, गोकुल पूरा घूम के आए, पूरा पैदल इधर उधर गए थे, कुछ खाया पिया था नहीं रास्ते में। और हर्षिता को हर जगह के गोलगप्पे टेस्ट करने का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ रहता है, तो वो गई है गोलगप्पे खाने, और मैं यहाँ पे अपने कान्हा जी के पास बैठ के उनकी माला हवा से इधर उधर हो रही थी, उसको थोड़ा सेट कर रही थी। वहाँ पे गोकुल वाले मंदिर में ही पंडित जी ने कान्हा जी को माला पहनाई थी। ये देखिए हर्षिता गोलगप्पे लेके आई है, तो वो कान्हा जी को दिया है, और इधर मैंने अपने लिए चाय बोल रखी है। मन हर्षिता का टिक्की वगैरह खाने का भी हो रहा था, पर पता नहीं थोड़ी सी गर्मी, थोड़ा सा मौसम अच्छा ही हो रहा था ना, और ट्रैवल में काफ़ी थक जा रहे थे। मेरा भी मन था गोलगप्पे खाने का, पर मैंने चाय बोल दी, तो फिर अब चाय और उसका तो कोई कॉम्बिनेशन होता ही नहीं, एक ही चीज़ इंसान ले सकता है, तो मुझे तो फ़िलहाल चाय पीनी थी। और यहाँ पे जब भी मैं चाय ले रही थी ना, हर चाय का एक तो फ्लेवर मुझे अच्छा लग रहा था, मोस्टली चाय में मतलब इलायची आ रही थी। एक जगह मैंने कहीं चाय पी थी, वहाँ पे सिर्फ अदरक का फ्लेवर था, और मुझे जो चाय है ना वो अदरक वाली ही अच्छी लगती है। इतने मेरी चाय चली, हर्षिता ने पहले गोलगप्पे इंजॉय किए और फिर उसको एक आइसक्रीम दिलवा दी। आप मौसम देख सकते हैं कि धूप नहीं है बिल्कुल भी, और ऑटो में तो बहुत तेज़ हवा भी चल रही थी। फिर थोड़ी देर बाद मौसम हो गया था चेंज, क्योंकि बारिश हो जा रही थी बीच बीच में। यहाँ पे चाय पियेंगे और फिर अब चले जाएंगे थोड़ी सी देर पागल बाबा के मंदिर में, अंदर ही घूमेंगे। मैं पूरा अंदर तो नहीं देख के आई, मतलब मेन जगह से अंदर चली गई थी। काफ़ी बड़ा मंदिर है और काफ़ी खूबसूरत है, आप पूरी वीडियो देखिएगा आपको अच्छा लगेगा। Yeah।
प्रेम मंदिर की बाहर की चीजें नहीं दिखती पता है रात में, इसलिए ये मुझे प्रेम मंदिर दिन ऐसे टाइम पे जाना है। पहले जूता उतारना है। कहाँ लेके जाएंगे हमारे कान्हा जी का चैनल किस नाम से? लिमिटलेस पैशन ब्लॉग। अभी हुई है 11th अच्छा रहेंगे। यस बॉस आपकी आ गया सर्वोपरि, अब आप चल सकते हैं, आगे लेनी पड़ रही है, आइए। इधर भी देख लिया करो थोड़ा इधर से, इधर भी पूछा गया पानी है। माँ हेलो शेर, क्या हाल है आप? स्वस्थ? खाने पीने में मौज हो रही है, मजा आ रहा है ना? हाँ ऐसे हमारी भी रक्षा करिएगा ठीक। हाँ तो शेर वीर होते हैं, दोस्त होते हैं। हाँ ये तो उन्होंने तो इसी में किया। भाई को शेर का दर्जा दिया जाता है ना, मेरा भाई शेर है। तो ये था पागल बाबा का मंदिर, हम अंदर तो नहीं गए, बाहर से हमने फूल एंजॉय किया क्योंकि हमें जाना है आगे। आप कहाँ जा रहे हो? ये हैंगे जाएंगे, हैंगे करेंगे, ये तो एमपी में बोलते। अच्छा जाओगे? हमें जाना होता है प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर जाना, कितना लोग है? दो दो लोग है, तो 200 रुपए देना। प्रेम मंदिर प्रेम मंदिर कुछ लोग 20-20 रुपए लगते हैं। कितनी दूर पड़ता है यहाँ से? 2 किलोमीटर है। और बाकी बिहारी का? बाकी बिहारी 4 किलोमीटर, वो भी 20 ही लगता है। कौन से भी चले जाओ आप। अच्छा प्रेम मंदिर से इस्कॉन मंदिर कितनी दूर है? 500 मीटर। पैदल जा सकते हैं? कम ही बैठेगा, 300 मीटर बैठेगा। मतलब उसमें पैदल जा सकते हैं सब लोग? प्रेम मंदिर से इस्कॉन जाए या इस्कॉन से प्रेम मंदिर आए, आपकी इच्छा है, हमें बताइए। सदन प्रेम मंदिर तो ये भाई हमें बता रहे हैं, पहले जाइए प्रेम मंदिर फिर जाइए इस्कॉन टेम्पल। तो चलिए चलते हैं। राधे राधे। हाँ तो करिए यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब दोनों है, इंस्टा। फॉलोवर से बढ़ेंगे, पूछना पड़ेगा फिर भी। प्रेमानंद जी का फोटो लगाया निदाना आ गया, हम खुद ही सबको सब्सक्राइब हो गए।
राधे 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 राधे। यहाँ पे मिल गया हमें 3-4-5 सब्सक्राइबर। चलिए भैया, इस समय हम फंसे हो गए हैं। ये वाला मेरा ये नहीं, यहाँ इतना आपके जा रहा है। अच्छे लग रहे हैं कृष्ण भक्ति में, कृष्ण भक्ति में लीन, कितने अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए हमारी लताएं जैसे बांधा है, पेड़ों के पास लगाई हैं ऐसे हमारे। Look at him.